हाय गाइस, कैसे हैं आप? सब उम्मीद करता हूँ अच्छे। अगर मैं हूँ आपका दोस्त रजित भगत, आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप फोटोशॉप से 7.0 कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री में, कोई भी आपको पैसे नहीं देने हैं। तो चलो हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन ओपन कर लेते हैं। तो हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन ओपन हो चुकी है, तो हम फटाफट से अपना जो है ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। तो अगर आपके पास कोई भी ब्राउज़र है आप उसका यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास क्रोम ब्राउज़र है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको फायरफॉक्स ही यूज़ करना है। तो चलो हम इसके ऊपर सर्च कर लेते हैं। तो हमें सर्च करना है www.esoftware.com, हमें सर्च करना है। तो चलो हम इसको सर्च कर लेते हैं। तो जो सबसे पहले वाली आएगी हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो हमारी जो है वेबसाइट खुल चुकी है ई सॉफ्टनर। ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट है और इसमें आपको कोई भी रिस्क वगैरह नहीं है आपको। तो आपको सर्च बार में यहाँ पर लिखना है फोटोशॉप 7.0 और उसके बाद आपको सर्च कर देना है सिंपली। तो ये सर्च हो चुका है, तो आप देख सकते हैं सामने की ओर ही हमारे सामने आ गया है। तो आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे सिंपली। अब हमारे सामने डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है, आप देख सकते हैं डाउनलोड एडोब फोटोशॉप 7.0। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोड पड़ा हुआ है। तो मैंने इसको पहले का डाउनलोड किया, तो मैंने यहाँ पर रखा हुआ अपने लोकल डिस्क डी में। तो आपका ये डाउनलोड में आपको मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, आप देख सकते हैं ये हमारा एडोब फोटोशॉप 7.0। जब आप डाउनलोड करोगे तो ये कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा इसका। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसको एक्सट्रैक्ट हेयर कर देना है इसको। तो उसके बाद हमारे सामने कुछ ऐसा फोल्डर खुल जाएगा, तो हमने इसको फोल्डर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा इंटरफेस हमें दिखेगा। तो हमें इसको भी जो है एक्सट्रैक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सट्रैक्ट हेयर कर देना है हमें इसको भी। उसके बाद हमारे सामने ये फ़ोटोशॉप वाली जो है फोल्डर खुल जाएगा, तो हमें इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद हमारे सामने ये सभी जो है खुल जाएंगे। तो हमने सेटअप वाली फ़ाइल ढूंढनी है, आप देख सकते हैं ये आ गई हमारी सेटअप वाली फ़ाइल। आपको ध्यान से देख लेना, यही फ़ाइल है, तो आपको इसी को डाउनलोड करना है। तो अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट है तो आप उसके लिए भी ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपका 64 बिट है उसके लिए भी ये डाउनलोड हो जाएगा। तो ये हमारा जो है सेटअप वाला, हमने इसको ओपन करना है। तो जैसे आप इसको ओपन करोगे तो ये सेटअप होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो हमें सिंपली नेक्स्ट कर देना है। तो ये हमें बता रहा है कि जब इंस्टॉलेशन हो जाएगा तो हमें एक बार अपने जो है कंप्यूटर को या लैपटॉप को रीस्टार्ट मार लेना है। तो हमें ओके कर देना है इसको। उसके बाद ये आपको लैंग्वेज पूछने के लिए बताएगा, US इंग्लिश, आपको नेक्स्ट कर देना है सिंपली। उसके बाद आपको एक्सेप्ट कर लेना है एग्रीमेंट पूरा। इसके बाद जैसे कि आपने अपना नाम लिखना है और अपना लास्ट नेम लिख लेना है सिंपली यहाँ पर, और सीरियल नंबर पे आपको ये वाला लिखना है। आपको यहाँ से मैं आपको बैक होके बताता हूँ। पहले आपने ये अपनी जो फ़ाइल है, फाइल के जो यहाँ पर है एडोब फोटोशॉप 7.0 सीरियल नंबर, आपको इसको ओपन कर लेना है। तो जो ये सीरियल नंबर है आपने इसको पूरे को उठाकर कॉपी कर लेना है। तो ये मैंने कॉपी कर लिया है। तो अब इसको हमने पेस्ट कर देना है, यहाँ पर हम पूरे को पेस्ट कर देंगे। तो ये पेस्ट हो चुका है, तो ये पेस्ट हो चुका है पूरा। तो हमें सिंपली नेक्स्ट कर देना है। अगर आप ये नहीं डालोगे तो ये आपका नहीं होगा। तो इज दिस रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन करेक्ट, तो यस कर देना है हमें। तो आगे बढ़ जाना है। तो ये टाइप भी, तो ये देखिए मांगेगा कि आपको ये जहाँ पर डाउनलोड करना है सी लोकल डिस्क में करना है या कोई और में करना है। अगर आप किसी और में करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ सीधा आपने नेक्स्ट कर देना है, तो आपको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपने इसको भी सिंपली नेक्स्ट कर देना है। तो ये इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। तो ये इंस्टॉल होने लगा है, तो चलो हम इसको पहले इंस्टॉल होने देते हैं। तो हमारा फोटोशॉप 7.0 पूरा इंस्टॉल हो चुका है। तो अगर आपने पूरी वीडियो देखी होगी तो तभी आपको समझ चली होगी। तो अगर आपने पूरी वीडियो नहीं देखी होगी तो आप सीरियल नंबर पे ही अटक जाओगे। तो आपको वीडियो पूरा देखना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलो अब हम इसको फिनिश कर देते हैं। तो उसके बाद जो है हमारा फोटोशॉप पूरा
इंस्टॉल हो चुका है। तो जो भी आएगा आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, अगर पढ़ना चाहते हो तो आप इसको सीधा कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कैंसिल। तो अब हमारा जो है फोटोशॉप जो है डाउनलोड हो चुका है। आप इसको यहाँ से उठाकर यहाँ पर ला सकते हैं। तो मैंने इसको डेस्कटॉप में ला दिया, आप भी ला सकते हैं। तो चलो अब हम इसको ओपन करके देख लेते हैं। तो ओपन ये हो चुका है, तो आप देख सकते हैं हमने इसको नो वगैरह कर देना जो भी मांगेगा। तो हमारा जो है ये फोटोशॉप 7.0 पूरा इंस्टॉल हो चुका है। आप देख सकते हैं कोई भी ये ट्रेल वर्जन वगैरह नहीं दिखा रहा, ये बिल्कुल फ्री डाउनलोड हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा कि एडोब फोटोशॉप 7.0 को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।